छात्र संघ ऑल इंडिया डीएसओ द्वारा आज फिर सरकार से छात्रों को मिलने वाली आवासीय योजना की राशि न मिलने पर प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा। वो हम लोग कुछ आश्वासन लेकर के उसका समाधान चाहते हैं। ज्ञापन में मांग की है कि आवासीय योजना की राशि काफी लंबे समय से नहीं छात्रों को मिल रही और बार बार अवगत कराने के बाद भी आज दिनांक तक छात्रों के खाते में राशि नहीं आई, जबकि जो छात्र यहां किराए से मकान लेकर पढ़ाई कर रहे हैं उनको योजना की राशि न मिलने से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने छात्र संगठन ऑल इंडिया डीएसओ द्वारा जिला प्रशासन को एक ज्ञापन दिया है। पूरा शहर जानता है कि आवास योजना की राशि को लेकर के गुना जिले के छात्र काफी लंबे समय से आंदोलन चला रहे हैं। 2 साल गुजर चुके हैं लेकिन जो छात्र जो यहाँ पर किराया से रहते हैं उनको आवास सहायता राशि सरकार द्वारा दी जाती है। बार बार मांग करने पर छात्रों को आश्वासन दिया जा रहा है कि आपकी राशि 7 दिन में डाल दी जाएगी, आपकी राशि 15 दिन में डाल दी जाएगी, लेकिन 2 साल गुजर गए अभी तक उनकी राशि नहीं डाली गई है। तो उन छात्रों की जो आवास सहायता राशि मिलती है उसको तुरंत डाला जाए। अगर सरकार के पास बजट नहीं है तो पूंजीपतियों का जो कर्जा माफ कर रहे हैं उसे ना करें, चुनावों में जो पैसा बहाना है वो ना बहाएं, कम से कम छात्रों की ओर वो देख लें और उनको बजट जारी करके उनकी आवास योजना की राशि को डाल दिया जाए। साथ ही साथ अभी 2020-21 में जो छात्रवृत्ति है जिसको अभी तक आ जाना चाहिए था वो भी नहीं आई है। ST वर्ग के जो छात्र हैं उनका भी ऑनलाइन पोर्टल तक शुरू नहीं हुआ है जबकि पूरा सत्र निकल गया है। तो छात्रों के साथ ये मजाक चल रहा है, ये खिलवाड़ चल रहा है। इस खिलवाड़ के खिलाफ में आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया गया है, जिला प्रशासन से मांग की गई है कि उसको डाला जाए। उन्होंने प्रशासन के माध्यम से मांग की कि जल्द से जल्द छात्रों को आवासीय योजना की राशि उनके खाते में डाली जाए जिससे वे अपने मकान का किराया दे सकें। वहीं सरकार को अल्टीमेटम भी दिया है कि अगर 10 दिन में राशि छात्रों के खाते नहीं डाली गई तो वे उग्र आंदोलन करेंगे जिसकी जिम्मेदारी शासन की होगी।